हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट कोचिंग आज हम यूनिट टू स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें हम डेटा के साथ कैलकुलेशंस करते हैं डेटा का यूज़ करते हैं अलग अलग तरह के समरी निकालने के लिए डेटा की या उसके बारे में कोई डिसीजन लेना हो तो उसमें स्टैटिस्टिकल मैथड्स यूज़ होते हैं इसमें दो तरह के आ जाते हैं एक होता है डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है इन्फ्लुन्शियल तो पहले डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बता रहे हैं दैट मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द यूनिवर्स सब्जेक्ट टू वेरिएबिलिटी मतलब जो भी हैं उसमें वेरिएबिलिटी होती ही है मतलब उसमें वैरायटी होती है अगर हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करें तो सबसे ज्यादा वैरायटी उसी में होती है चाहे वो एटीट्यूड हो इंटेलिजेंस हो पर्सनैलिटी हो एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से फर्क होता है तो उसका एक डेफिनेशन बनाने के लिए या उनको एक ग्रुप में डालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सारी ऑब्जर्वेशंस को हम स्टैटिस्टिकल मेथड से आ, उसकी एक डिसीजन ले पाए कि हम कैसे इसको समराइज़ करेंगे तो इन ऑर्डर टू मेक अ सेंसिकल डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप और टू आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ रेफरेंस टू देअर ऑब्जर्वेशन स्कोर्स इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्रेस दैम इन अ प्रिसाइज मैनर फॉर दिस पर्पज ऑब्जर्वेशन नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल एस्टिमेट विच समराइज द ऑब्जर्वेशन तो जब हमें एक ऑब्जर्वेशन को समराइज़ करना है उसका एक सिंगल एस्टिमेट निकालना है तो हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है इतनी सारी वेरिएबिलिटी के बीच में हम कैसे कोई ट्रेंड बता सकते हैं या कैसे हम ये बता पाएंगे कि किस तरफ किस डायरेक्शन में जा रहा है डेटा तो उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑप्टेन डेटा डिस्क्रिप्टिव से पता चल रहा है कि ये डिस्क्राइब करने के लिए होता है कोई भी पर्टिकुलर डेटा जो आपने किसी ग्रुप से लिया है ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन से लिया है इसके अंदर आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो टेबुलेशन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हो डेटा की मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी का यूज करते हैं द मेजर्स एनेबल द रिसर्चर टू नो अबाउट द टेंडेंसी ऑफ द डेटा और स्कोर विच फर्दर एनहस द ईज इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमिना तो सेंटर टेंडेंसी मतलब यही होता है कि मीन की तरफ कितना डेटा जा रहा है और वेरिएबिलिटी कितनी है ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के सेंटर टेंडेंसी मतलब मीन की तरफ कितना है और वेरिएबिलिटी मतलब कितना ज्यादा वेराइटी है सच सिंगल एस्टिमेट ऑफ सीरीज ऑफ डेटा विच समराइजेज द डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन तो पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर हम उसकी कोई सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हैं या उसका वेरिएबिलिटी निकाल रहे हैं जिससे हम उसको समराइज कर सकें तो इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा होता है फिर समराइजेशन ऑफ डेटा होता है तो ऑर्गेनाइजेशन में हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं टेबुलेशन कर सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है आप उसको क्लासिफाई कर रहे हो डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफिकेशन इज़ अ समरी ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल स्कोरस कितनी बार एक स्कोर आ रहा है बार बार या फिर उसकी रेंज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन वी विल हैव सच वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एज वेल एज द नंबर ऑफ पर्सन तो वो वेरिएबल कितने लोगों का है या कितनी बार आ रहा है उसको हम क्लासीफाई करते हैं या तो फ्रिक्वेंसी के बेस पे या रेंज के बेस पे तो उसको एक फॉर्मेट में अरेंज करना होता है ताकि हम कोई कंक्लूजन निकाल सकें उसके ऊपर अ मच क्लियर पिक्चर ऑफ़ द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्कोर्स एमर्जेज व्हेन द रॉ डेटा आर ऑर्गेनाइज एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और जब हम उसको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लाते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर पता चलता है कि किस तरफ ट्रेंड जा रहा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ केसेज फॉलोइंग विद इन अ गिवन क्लास इंटरवल और रेंज फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से यह पता चलता है कि एक क्लास इंटरवल में रेंज में कितने लोग आ रहे हैं कितने केसेज आ रहे हैं फ्रीकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज अ टेबल दैट शोज ईच स्कोर एज ऑपटेन बाय द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड हाउ फ्रिक्वेंटली ईच स्कोर अकर्ड फ्रिक्वेंसी का नाम फ्रिक्वेंसी नाम से ही पता चल रहा है कि कितनी फ्रिक्वेंटली वो चीज़ आ रही है तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से यही पता चल रहा है कि वो स्कोर कितनी बार आ रहा है इसको अनग्रुप्ड uh, डेटा और ग्रुप्ड डेटा दोनों के साथ हम कर सकते हैं एंड अनग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंस्ट्रक्टेड बाय लिस्टिंग ऑल द स्कोर्स वैल्यू इधर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट और लोएस्ट टू हाईएस्ट एंड प्लेसिंग अ टेली मार्क बिसाइड ईच स्कोर एवरी टाइम इट अकर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच स्कोर इज डिनोटेड बाई एफ तो फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट की जाती है और टेली मार्क्स का यूज़ किया जाता है अगर अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो टेली मार्क्स क्या होते हैं जैसे हम वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे करके टेली मार्क्स करते हैं ना तो जितनी बार वो डेटा आ रहा है उसको आप टेली मार्क्स का यूज़ करके आप ये देख सकते हो कि पूरा लोएस्ट टू हाइस्ट में वो कितनी फ्रीक्वेंटली आया है अच्छा अगर ग्रुप है पहले से ही इफ़ देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ स्कोर वैल्यू इन द डेटा देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ़ सच सीरीज़ अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसको एक एक तो आप देख नहीं सकते तो उस केस में आप ग्रुप में कर दोगे उसको ताकि हमें यह पता चल जाए कि इस ग्रुप में इतने हैं इस ग्रुप में इतने हैं और ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबल दैट ऑर्गेनाइज डेटा इन टू क्लासेज तो हम उसमें क्लासेज में उसको डिवाइड कर देते हैं और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद फिर हम उसमें फ्रिक्वेंसी ऑफ डेटा देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है उसके लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए एक तो रेंज ऑफ द गिवन डेटा चाहिए रेंज का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर में कितना डिफरेंस है मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर उससे हमें रेंज पता चलती है ठीक है उसके बाद नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्लास इंटरवल कितने बनाने हैं uh, जैसे इफ़ देर आर फ्यू स्कोर इज यूजलेस टू हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लास इंटरवल ऑर्डिनरीली द नंबर ऑफ क्लासेस शुड बी बिटवीन फाइव टू थर्टी तो क्लास इंटरवल्स हम फाइव से लेके कर थर्टी तक ले जा सकते हैं फिर लिमिट ऑफ ईच क्लास इंटरवल अनदर फैक्टर यूज इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ क्लासेज इज़ द साइज या रेंज कितनी रखनी है हमें क्लास इंटरवल की जिसको ये आई uh, से डिनोट कर रहे हैं क्लास इंटरवल को तो क्लास इंटरवल शुड बी यूनिफॉर्म विथ रिजल्टिंग इन द सेम साइज क्लासेज ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द विथ ऑफ द क्लास शुड बी अ होल नंबर एंड कन्वीनियंटली डिविजिबल बाई टू थ्री तो जो भी क्लास इंटरवल है तो जो विथ होती है क्लास इंटरवल की वो कह रहे हैं कि एक तो वो ये होल नंबर में होनी चाहिए मतलब पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए उसकी जो रेंज है और दूसरा अगर ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो रेंज डिविजिबल बाय टू थ्री फाइव टेन या ट्वेंटी हो तो इसमें तीन मैथड दिखाए हैं क्लास लिमिट डिस्ट्रीब्यूशन के एक होता है एक्सक्लूसिव मेथड एक इंक्लूसिव और एक्चुअल ये हम स्कूल में भी पढ़ा करते थे क्लास इंटरवल वाला ही उसी तरीके से है एक्सक्लूसिव मैथड में क्लासेज आर फॉर्म दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास बिकम द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास

मतलब फोर्टी वाला तब इंक्लूड होगा जब वो लोअर लिमिट में आएगा अपर लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा अपर लिमिट वाला एक्सक्लूसिव माना गया अपर लिमिट क्लासेस एक्सक्लूसिव तो जैसे थर्टी टू फोर्टी का अपर लिमिट फोर्टी है तो यहाँ पे फोर्टी इंक्लूड नहीं करेंगे अपर लिमिट एक्सक्लूसिव है तो इसको हम मानेंगे कि ये स्कोर थर्टी से लेके थर्टी नाइन वाले इसमें आ रहे हैं थर्टी टू फोर्टी वाले में फिर फोर्टी टू फिफ्टी वाले में हम फोर्टी इंक्लूड करेंगे लेकिन फिफ्टी इंक्लूड नहीं होगा तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि जो हमारे स्कोर हैं वो फोर्टी टू फोर्टी नाइन तक है तो जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूसिव मानी जाती है मतलब वो नेक्स्ट कैटेगरी में आ रही है जैसे यहाँ लिखा ना थर्टी टू फोर्टी तो थर्टी टू फोर्टी में ये जो स्कोर्स आएंगे थर्टी नाइन तक आएंगे, फोर्टी यहाँ आएगा फिर फोर्टी टू फोर्टी नाइन वाले यहाँ तक आएंगे फिफ्टी यहाँ आएगा फिफ्टी टू फिफ्टी नाइन वाले यहाँ तक आएंगे सिक्सटी और आगे चला जाएगा तो अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है इंक्लूसिव में जैसे साफ दिख रहा है कि ये पूरा ही इंक्लूडेड है थर्टी टू थर्ट नाइन आ रहा है यहाँ पे इन्होंने फोर्टी अपर लिमिट ली नहीं है क्योंकि वो इसको इंक्लूड नहीं करना चाहते तो वो अगले में डाल दिया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो इंक्लूडेड ही नहीं है तो जो चीज़ यहाँ पे हिडन थी वो यहाँ साफ दिख रही है कि यहाँ पे इन्होंने फोर्टी नहीं लिया है फोर्टी इधर से यहाँ ले लिया है फिफ्टी यहाँ से यहाँ ले लिया है तो ये तब प्रेफर करते हैं जब होल नंबर्स में डेटा होता है तो अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं होल नंबर्स में आपके पास डेटा फिर ट्रू और एक्चुअल क्लास मेथड आ जाता है इट स्कोर इज एन इंटरनल व्हेन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 0.5 यूनिट्स बिलो टू 0.5 यूनिट्स अबव द फेस वैल्यू ऑफ द स्कोर द क्लास लिमिट्स आर नोन एज ट्रू एंड एक्चुअल क्लास लिमिट्स तो यहाँ पे देखो इन्होंने 0.5 का गैप लिया है कि अगर वैल्यू में 0.5 कम है जैसे 30 से शुरू हो रहा है ना तो 30 से 0.5 कम है ये 29.5 है वहाँ से लेके कर फोर्टी से पॉइंट पॉइंट फाइव कम है थर्टी थर्टी नाइन पॉइंट फाइव है तो ये पॉइंट फाइव अगर कम हो तो एक्चुअल उसको लेके चलते हैं हम डेटा को तो टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है अब अभी तक हमने ये क्या देखा कि क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं अब ये है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं तो यहाँ पे पहले तो ये बोल रहे हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इंडिकेट दी प्रपोर्शन ऑफ़ द टोटल नंबर ऑफ़ केसेज ऑब्जर्व एट ईट स्कोर वैल्यू और इंटरनल ऑफ़ द स्कोर वैल्यूज सिंपल सी बात है कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्लास इंटरवल में सपोज आपका थर्टी टू फोर्टी है उसमें कितना फ्रिक्वेंसी मतलब कितने केसेज आ रहे हैं एक आ रहे हैं दो आ रहे हैं फोर्टी टू फिफ्टी में कितने आ रहे हैं चार आ रहे हैं तो वो रिलेटिव हो गया दूसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समटाइम्स इन्वेस्टिगेटर में भी इंटरेस्टेड टू दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेस देन अ पर्टिकुलर वैल्यू कि हमें उस वैल्यू से कम चाहिए उससे कम कितनी आ रही है दिस इज पॉसिबल बाय कंप्यूटिंग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास इंटरवल इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर दैट क्लास एंड ऑल क्लासेज प्रायर टू दैट क्लास सिंपल सी चीज़ें इन्होंने लिखा हुआ है ऐसे कि हमें समझ में नहीं आ रहा बट ये इतना कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई पचास से कम कितने हैं तो पचास से कम मान लो दस लोग हैं जिनकी वैल्यू पचास से कम आ रही है किसी भी चीज़ की अगर हम डेटा की बात करें फिर हम बोलते हैं कि साठ से कम कितने हैं तो साठ से कम आठ लोग हैं लेकिन ये दस भी तो उसमें आएंगे तो अट्ठारह हो जाएंगे ये आ गया फिर हमने बोला सत्तर से कम कितने हैं मान लो सत्तर से कम दो ही लोग हैं लेकिन पहले अट्ठारह भी तो है जो सत्तर से कम है तो वो दो प्लस अठारह बीस तो ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फिर क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोनों को कंबाइंड कर दिया है क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज वन इन विच एंट्री ऑफ एनी स्कोर ऑफ क्लास इंटरवल एक्सप्रेसिस दैट स्कोर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केस इसमें हमें क्या करना होता है इसमें हमें दोनों निकालने होते हैं पहले हम जस्ट एक रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे कि जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे सपोज एक ऑब्जर्वेशन है हम ले लेते हैं जैसे फोर्टी थर्टी की ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आई वो पाँच बार आई और फिर उसके बाद थर्टी टू फोर्टी वाली थर्टी टू फोर्टी वाले ये बिलो फोर्टी है मान लो ट्वेंटी टू थर्टी पाँच बार आए थर्टी टू फोर्टी जो है वो फिर से पाँच बार आए फिर फोर्टी टू फिफ्टी वाले वो छः बार आए ऐसे ये फ्रिक्वेंसी है फिर क्यूमूलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे है कि जैसे थर्टी से कम वाले कितने हैं पाँच हैं फिर फोर्टी से कम वाले कितने हैं तो ये वाले पाँच प्लस जो और पाँच हैं वो मिला लो तो दस हो गए फिर फिफ्टी से कम वाले कितने हैं ऊपर के जो हैं प्लस एक और है अगर तो सोलह हो गए तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब उससे नीचे वाले कितने हैं वो ऐड होते जा रहे हैं अब अगर हमें क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो फ्रिक्वेंसी निकाली फिर क्यूमुलेटिव निकाली अब क्या करा आपने जो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ केसेस है मान लो आपने टोटल पच्चीस लोगों के ऊपर किया है तो उसके बाद आपने क्या करना है जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है ना इसको डिवाइडेड बाय आपके जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं तो जो परसेंटेज आएगी निकल के यहाँ पे जैसे बीस परसेंट आ रहा है तो वो आपकी क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है इसी चीज को आपको मैं दोबारा एक बार करके बता देती हूँ जैसे सपोज हमारे पास क्लास इंटरवल दिए हुए हैं सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी टू एट्टी इस तरीके से क्लास इंटरवल दिए है एट्टी टू नाइन्टी ठीक है अगर हम टेली मार्क्स में निकालते हैं जैसे ऊपर हमने एक तरीका पढ़ा था टेली मार्क्स का तो टेली मार्क्स में जैसे दो हैं तो दो डाल दिए उसके बाद अगर चार हैं तो चार टेली मार्क्स डाल दिए पांच में क्या करते हैं हम जैसे चार लाइनें डाल देते हैं पांचवे को ऐसे कट कर देते हैं ऐसे हम टेली मार्क्स डालते हैं अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे नंबर्स में तो हम इसको कैसे लिखेंगे ये दो को दो लिखेंगे चार को चार लिखेंगे पांच को पाँच लिखेंगे छह या तो छह लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ठीक है और अगर हम इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं तो जैसे पहले वाला क्या है सत्तर से कम कितने हैं दो हैं ठीक है अस्सी से कम कितने हैं अब ये चार तो है ही प्लस ये दो भी है ना तो टोटल कितना हो जाएगा छ हो जाएगा फिर नब्बे से कम कितने हैं आपके ये ऊपर के छ प्लस आप ये पांच और मिला लो तो आपके ग्यारह हो जाएंगे इस तरीके से आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलेगी अब इसका हमने क्या निकालना है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है क्यूमलेटिव रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है तो उस केस में हम इसको क्या करेंगे ये जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रही है टू डिवाइडेड बाय जो हमारे टोटल नंबर ऑफ डेटा होते हैं जैसे सपोज हमने ये बीस लोगों पर किया है डिवाइडेड बाई ट्वेंटी कर देंगे तो वो जो परसेंटेज में आपके निकल के आएगा जो कि टेन परसेंट है इसका आंसर तो वो आपकी क्यूमुलेटि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी तो ये हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अब हम आएंगे टेबुलेशन कैसे करते हैं तो फ्रिक्वेंसी को अगर हम टेबल की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं तो क्लासिफाइड डेटा अगर हम टेबल की फॉर्म में दिखा रहे हैं तो उसको हम टेबुलेशन बोलते हैं टेबल इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन अ रो एंड कॉलम और टेबल नंबर होता है उसमें एक होता है टेबल नंबर वन देर आर देर इज़ मोर देन वन टेबल इन अ पर्टिकुलर एनालिसिस टेबल नंबर शुड बी मार्क अगर एक से ज़्यादा टेबल बना रहे हो तो आप टेबल नंबर्स मार्क कर दो देन टाइटल ऑफ़ द टेबल हर एक टेबल का टाइटल होना चाहिए अप्रोप्रिएट जो उसके कंटेंट को डिस्क्राइब करे टाइटल शुड बी क्लियर ब्रीफ है एक, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कैप्शन होने चाहिए जो हेडिंग्स होती हैं कॉलम्स वगैरह की हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होती हैं जिससे पता चले कि उस टेबल में क्या लिखा हुआ है तो जैसे स्टूडेंट्स के मेल फीमेल रूरल अर्बन इस तरीके से सो स्टब्स फॉर ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स फॉर रोज तो रोज में भी अगर आप हेडिंग्स डाल देते हो ताकि पता चल जाए कि उस रोज में आपने कौन सी वैल्यूज डाली हैं नीचे सब कुछ इन्होंने डायग्राम में दिखाया हुआ है फिर उसके बाद बॉडी ऑफ द टेबल जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डालते हो हेड नोट आ जाता है जो उसका टाइटल हो जाता है फिर फुट नोट आ जाता है जो लास्ट में हम लिखते हैं नीचे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं सोर्स ऑफ द डेटा मेंशन किया जाता है तो ये देखो यहाँ पे टाइटल है स्टब हेड है मतलब इस पर्टिकुलर रो में आप क्या लिखना चाह रहे हो वो चीज फिर स्टब एंट्रीज आ गई जैसे कॉलम हेड वन कॉलम हेड कैप्शन इसका टाइटल हो गया सब हेडिंग सब हेडिंग्स है ये सारी यहाँ पे मेन बॉडी है ये टोटल है फुट नोट यहाँ पे आप अगर कुछ लिखना चाहते हो इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऊपर डेटा में कवर नहीं हो रखा है और सोर्स मतलब ये डेटा कहाँ से लिया गया ये तो टेबुलेशन हो गया फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होती है जिसमें हम ग्राफ्स बनाते हैं शायद इन्होंने वो डायग्राम नहीं दिया है तो जब हम ग्राफ्स बनाते हैं तो समझ में ज़्यादा इजीली आ जाता है एक्चुअली ग्राफ से हमें कि किस तरीके से चल रहा है डेटा किस तरफ जा रहा है तो ग्राफिक या डायग्रामेटिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ जो है उसमें हम एक्स और वाई प्लेन का यूज करते हैं हम सब ने अपने स्कूल लेवल पे ग्राफ्स बनाए हुए हैं तो इसमें ये वाला एक्सिस को एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं यहाँ पे हम एक्स डैश और वाई डैश लिख देते हैं तो ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जैसे ये वाली एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं एप्सिसा और जो एंड दी वर्टिकल दी ऑर्डिनेट जो वर्टिकल लाइन हो गई आपकी वो हो गई ऑर्डिनेट और हम किस तरीके से हम कर सकते हैं हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी कर्व तो हिस्टोग्राम क्या होता है हम सब ने देखा हुआ है जहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बार्स बने होते हैं हिस्ट्रोग्राम्स और उसमें यहाँ जो लिखी होती है वो क्लास इंटरवल लिखी होते हैं जैसे थर्टी फोर्टी फिफ्टी तो मोस्ट पॉपुलर मेथड है जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के फॉर्म में शो कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द्लास तो ये इसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट है तो इस वाले की ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है इस वाले की ये है तो मतलब इसकी जो लोअर लिमिट है वो इसकी अपर लिमिट यहाँ आ गई और इसकी जो अपर लिमिट है वो इस वाले इसकी लोअर लिमिट मानी जाती है तो ये क्योंकि चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ तो इसलिए इनकी कंटिन्यूस चलती है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है एक हम पहले एक्स एक्सिस पे वो बना देते हैं एप्सिस का ऑरिजिन में ओवर एंडिंग टू एक्स इसमें हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं आपने ये डायग्राम बहुत बारी देखा भी होगा इस तरीके से फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बने होते हैं Uh, यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे क्लास इंटरवल दिखे होते हैं और ये जो ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो और ये जो जहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना जहाँ पे ये पॉइंट्स होते हैं जो ज्वाइन करके ये बना है, ये होता है ये मिड पॉइंट होता है आपके क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है ये तो मिड पॉइंट में हम क्या करते हैं पहले प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को इस तरीके से तो जैसे मान लो ये थर्टी टू फोर्टी है इसका मिड पॉइंट यहाँ है ऐसे अगले क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट इधर है इसका इधर है वो आप अपना जो भी है डेटा के हिसाब से बना लेते हो और इस तरीके से हम बनाते हैं तो इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं टू प्लॉट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यू हैव टू मार्क ईच फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट इज कंसर्न क्लास ऑन द हाइट ऑफ हिस रिस्पेक्टेड ऑर्डिनेट तो यहाँ पे जितना उसका डेटा है उससे हम मैच करके इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ को फिर आ जाता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व और ओजाइव इसको बोलते हैं ओजाइव द ग्राफ ऑफ अटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज क्रिम्युलेटिवेंसी कर्व और ओजाइव इसमें क्या करते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन एंड मोर देन दो टाइप के हो जाते हैं less than हो या फिर लेस देन या मोर देन ओजाइव हो, हो जाता है तो लेस देन ओजाइव में क्या है द क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट दी अपर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेज इट इज एन इंक्रीजिंग स्लोप फ्रॉम लेफ्ट लेसाइड में हम अपर क्लास बाउंड्रीज को प्लॉट करते हैं तो इसमें ऐसे होता है जैसे हम सपोज पहले वो लिख लेते हैं टेबल जैसे सपोज हमारा दस से कम वैल्यूज दो वैल्यूज आ रही हैं फिर बीस से कम आ रही है पांच वैल्यूज फिर तीस से कम हमारी आ रही है बारह वैल्यूज इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऊपर निकाल रहे थे ठीक है अब इसको प्लॉट करना हो तो हमने कैसे करना है ये दो चीजें जब हम ग्राफ में करेंगे हम लेस देन और जाइव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया टेन ट्वेंटी थर्टी इस तरीके से जीरो से स्टार्ट हो रहा है इधर भी हमने लिख दिया टेन ट्वेंटी थर्टी अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दस से कम दो कंपनीज आ रही है दो वैल्यूज आ रही है दस से कम तो यहाँ पे दस से कम यहाँ दो आ रहा होगा कहीं पे वन टू थ्री फोर अगर हम ग्राफ में देखेंगे तो हमें ऐसे छोटी छोटी लाइन्स नजर आती हैं तो दो कहीं यहाँ पे होगा तो दस के अगेंस्ट हम दो यहाँ पे प्लॉट करेंगे फिर ऐसे ही बीस के अगेंस्ट पांच है तो ये बीस है और पांच यहाँ कहीं आ रहा होगा तो यहाँ प्लॉट करेंगे फिर हमारा तीस के अगेंस्ट बारह है तो बारह दस से थोड़ा ऊपर होगा यहाँ प्लॉट हो जाएगा तो ये जब इस तरीके से ज्वाइन हो रहा है तो ये हमारा लेस देन ओजाइव बन रहा है दूसरा है मोर देन ओजाइव यहाँ पे कह रहे हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट लोअर क्लास बाउंड्रीज उसकी लोअर क्लास बाउंड्रीज को प्लॉट किया जाता है इट इज अ डिक्रीजिंग कर्व दिस डाउनवर्ड स्लोप आता है जैसे इसमें ना स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है लेस देन ओजाइव में डाउनवर्ड स्लोप आएगा इसको कैसे करते हैं मैं बता देती हूं आपको तो ये मोर देन वाले केस में हमने वैल्यूज ऐसे ये लिए हैं कि दस से ज़्यादा वैल्यूज़ कितनी है जीरो है फिर बीस से ज़्यादा कितने लोगों की वैल्यूज़ आ रही है पचास आ रही है फिर तीस से ज़्यादा कितने लोगों की आ रही है चालीस लोगों की आ रही है ज़्यादा हो गया ये मोर देन हो गया पहले हम लेस देन लिख रहे थे दस से लेस कितनी है बीस से लेस कितनी है अब हम लिख रहे हैं कि उससे ज़्यादा कितनी है क्योंकि ये मोर देन हो जाएगा तो अगर हम इसे यहाँ प्लॉट करेंगे वैसे ही टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ऐसे बनाया हुआ है तो थर्टी तो तो के, जीरो, जीरो के अगेंस्ट अगेंस कितनी है चालीस है चालीस तो प्लॉट हो जाएगा फोर्टी के अगेंस्ट कितनी है, अगेंस है? थर्टी है तो इस तरीके से ये डाउनवर्ड स्लोप आएगा इस वाले में तो ये मोर देन ऑजायब होता है लेस देन में आप इस तरीके से जाते हो मोर देन अजाइब में आप नीचे को आते हो इस तरीके से फिर आगे आती है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा तो डायग्राम के थ्रू हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं तो ये भी हमने बहुत सारे पहले स्कूल लेवल पे बनाए हुए हैं सीखे हुए हैं बार डायग्राम होता है सब uh, डिवाइडेड बार डायग्राम होता है फिर मल्टीपल बार डायग्राम होता है पाई डायग्राम होता है पाई चार्ट भी बोलते हैं पिक्टोग्राम होता है तो एक थिक लाइन टाइप की होती है जो फ्रिक्वेंसी टेबल में शो करती है हॉरिजोंटल एक्सिस पे द हाइट ऑफ ईच बार विल बी कॉरिस्पॉन्डिंग टू डी फ्रिक्वेंसी वैल्यू बार डायग्राम बिल्कुल वैसे ही दिखता है हिस्टोग्राम की तरह बस इसमें फ़र्क ये होता है कि बार डायग्राम में बार्स जो होते हैं वो उनमें स्पेस होती है बीच में बिकॉज ये अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए होते हैं कैटेगरी ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी डी उनके लिए होता है तो ये बार डायग्राम है हिस्टोग्राम में जबकि हमने देखा था कि वो कंटिन्यूस एक वैल्यूज चल रही होती है और ये बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं यहाँ वैल्यूज़ होती हैं टेन ट्वेंटी थर्टी और वो एक की एंडिंग और दूसरे की स्टार्टिंग होती है तो वो जुड़े हुए होते हैं जबकि बायोग्राफ में अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और ये आपस में जुड़े नहीं होते हैं ये ए कैटेगरी के लिए अलग बार है बी कैटेगरी के लिए अलग बार है सी के लिए अलग है और ये इसका लेवल दिखा रहा है कि कितने लेवल पर कौन सा आता है तो ये बार डायग्राम्स होते हैं फिर सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आते हैं सब डिवाइडेड में एक ही बार में हम तीन चीजें दिखा देते हैं जैसे उसको कलर कर दिया बीच में से तो ये वाला जो हिस्सा है नीचे अः ये आर्ट्स के स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बता रहा है ये वाला बीच का हिस्सा है ये साइंस के स्टूडेंट्स का बता रहा है और ये वाला कॉमर्स के स्टूडेंट्स का बता रहा है और नीचे हमने साल लिखे हैं ये 2010 का है फिर अगले साल भी ऐसे करके तीनों स्टूडेंट्स का 2011 का है फिर उसके अगले साल भी ऐसे दो का है तो ये हो गए सब डिवाइडेड मतलब एक ही बार में हमने डिवाइड कर दिया है ऐसे ही मल्टीपल बार्स होते हैं जब हम ऐसे करके दिखाते हैं कि तीनों आर्ट्स कॉमर्स और साइंस का उस साल में कितना कितना था तो सब डिवाइडेड की जगह हम मल्टीपल बार्स भी यूज कर सकते हैं और पाई डायग्राम तो आपको पता ही है क्या होता है जहाँ पे हम ऐसे सर्कुलर थ्री सिक्सटी डिग्री सर्कल को अलग अलग एंगल्स में डिवाइडेड कर देते हैं वो अलग अलग कलर्स में होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा किस तरीके से हम कर सकते हैं क्लासिफिकेशन के थ्रू टेबुलेशन के थ्रू ग्राफिकल और डायग्रामेटिक अब आएगा समराइजेशन ऑफ डाटा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो हमें आगे काम भी आएगा तो इसको हम नई वीडियो में पढ़ेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग